खबर तिजारा से संत शिरोमणि भक्त रविदास जी का 666वां जन्मोत्सव समारोह जाटव समाज तिजारा द्वारा आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि चंद्रशेखर यादव रहे। समारोह के दौरान भक्त रविदास जी की पूजा अर्चना की गई एवं उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन समिति द्वारा सभी अतिथियों को माला साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि चंद्रशेखर यादव ने भक्त रविदास के जीवन पर प्रकाश डाला, समाज को उनकी उपलब्धियां गिनाई और उनके बारे में बताया और कहा कि उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। मुख्य अतिथि द्वारा समारोह में फीता काटकर उसका शुभारंभ किया गया। समारोह में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा में हरी झंडी दिखाकर उन्होंने उसको रवाना किया और शोभा यात्रा सरे बाजार रवाना की गई। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष हरीश सावरिया, कृषि उपज मंडी समिति के चेयरमैन सतबीर मेघवाल, पुरुषोत्तम वकील सतपाल पालीवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो मेरा राम राम प्रणाम भोग ऐसी गया। मित्रों, ऐसे आयोजन समाज में होने जरूरी है और क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताऊं। आज हम और आप सब सम्मान से जीते हैं, अपने अधिकार के साथ जीते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। ये सब चीजें, संपत्ति खरीदनी है, बेचनी है, आजादी से रहना है, किसी से दबना नहीं है, ये सब चीजें आजाद भारत में अगर आपको कहीं से मिलती है तो हमारे संविधान से मिलती है। उस संविधान को हम इज्जत और सम्मान से जीने की एक किताब कह सकते हैं। वो किताब हमारे हाथ में थी हमारे बुजुर्गों ने, जिनका सबसे पहला नाम आता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब। अगर बाबा साहब उस संविधान में हर वर्ग का ध्यान नहीं रखते तो क्या आज हम इज्जत से और सम्मान से जीने के अधिकारी होते? जब बाबा एक बाबा साहब इतना परिवर्तन इस मुल्क में ला सकता है तो और कितने ही बाबा साहब इस मुल्क में पैदा होने चाहिए और धीरे धीरे हो भी रहे हैं। माननीय काशीराम जी इसके उदाहरण थे। लेकिन ये बाबा साहब और काशीराम जी कहां से पैदा हुए? ये हमारे भक्त शिरोमणि रविदास जी महाराज जैसे लोगों ने उस समय में, जब कोई सोच नहीं सकता था कि देश कैसा बनेगा, उस समय में जो जागृति अपनाई, जो जागृति समाज में फैलाई, समाज को ये बताया कि सम्मान से कैसे जीना चाहिए, शिक्षा का अधिकार कैसे मिलना चाहिए, उनके प्रभावों से, उनके वचनों से ऐसे शिरोमणि के शब्दों से प्रभावित होकर बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम जैसी हस्तियां पैदा होती। आज हम सिर्फ ये आयोजन करते चले और उनकी दी हुई शिक्षा को ग्रहण ना करें तो ये सिर्फ दिखावा मात्र होगा। इसलिए मेरा नौजवान साथियों से निवेदन है, आप रविदास जी को पूरा पढ़ें, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि रविदास जी ने कितना संघर्ष करके और जो ज्ञान दिया आप लोगों को। उस समय उनके रास्ते इतने आसान नहीं थे जितने आज हम बन जाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। उनके रास्ते में बहुत अड़चने आई थी, रोड़े अटके थे, फिर भी वो उनसे पार पाते हुए जाके अपने समाज के लिए, आपके लिए